हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैंने मान लीजिए एक रिएक्टेंट लिया है, आरसीपी बन रहा है, एक रिएक्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको रेट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर चूंकि खुद ही बोल दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर वन। रेट को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, स्मॉल लेटर के होगा, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, और आर की पावर क्या हो जाएगा, वन। रेट ला एक्सप्रेशन एंड इट स्टेट दैट इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, एक बात है, रेट को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, देखिएगा, यहीं पर मैं शो करने की कोशिश करता हूँ। यस, रेट को आप और क्या शो कर सकते हैं, रेट आर इज इक्वल टू, एक तरीका और भी है क्या, विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर आप रेट को शो करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए। यस, माइनस डी आर अपान क्या हो सकता है, डी टी हो सकता है। अच्छा, इसी भी बार में अगर प्रोडक्ट के हिसाब से रेट को शो करता हूँ तो क्या हो जाएगा, बोलिए। यस, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और डी पी अपान क्या हो जाएगा, डी टी, प्रोडक्ट जो भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि रेट को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये क्या है, एज पर रेट ला एक्सप्रेशन, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो रेट को आप कैसे शो कर सकते हैं, बोलिए। रेट को चाहे ऐसे शो कर चाहे ऐसे, तो रेट को इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तब आप इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस डी आर, मैं यहाँ पर इस वाले क्वांटिटी को ले रहा हूँ, माइनस डी आर अपान डी टी इज इक्वल टू के एंड मोलर कंसंट्रेशन आर टू द पावर वन। आप पी भी ले सकते थे, लेकिन चूँकि दोनों क्वांटिटीज सेम हो, इसके लिए मैंने आर ही लिया है। आप ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर पी के कॉन्सेप्ट में रेट ला एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, तो रेट का ये फार्मूला सिंपल सा हुआ, इसको मैं थोड़ा आगे चलता हूँ लेकर के, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये क्या हुआ, रेट को आप ऐसे शो करें या इस तरह से शो करें, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सिमिलर। थोड़ा आगे चलते हैं, सिंपल वे ही है। देखिएगा क्या करते हैं, थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, तो इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश यहाँ करते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस, डी आर अपान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और माइनस उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए, आर टू द पावर वन। पावर वन लिखें या ना लिखें, अच्छा थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, तो क्या करें, देखिएगा, इसको मैंने माइनस को दोनों का में माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो माइनस वहाँ चला गया। थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, मैं ऐसा करता हूँ, डी टी को इधर ले जाता हूँ और आर को इधर ला देता हूँ, तो मैंने कहा आर यहाँ आ गया, और ये क्या बन गया, माइनस के डी टी। बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सारी अरेंज किया है मैंने। अच्छा, ये हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि डी आर अपान आर माइनस के डी टी। अच्छा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डिफरेंशिएशन को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, बोलिए, डी आर अपान आर को सिमिलर टर्म लिया है मैंने, और माइनस के, अच्छा, डी टी, इसका किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, इसके लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक फार्मूला हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है, तो सिंपल सा एक लाइन का ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, कि किसी नंबर का डी एक्स अपान एक्स या डी वाई अपान वाई का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू लिखी जाती है नेचुरल लॉग एक्स, ln x लिखा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स किया जाए, तो यहाँ से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है और x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं, डी आर अपान आर है, तो डी एक्स अपान एक्स को ln x लिख सकते हैं, तो डी आर अपान आर क्या लिख सकते हैं, बोलिए, यस, इंटीग्रेशन करने से ये क्या बन जाएगा, एल एन आर, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के, है ना, रेट कांस्टेंट है ये, डी टी क्या हो जाएगा, यस, ये पूरा हट जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, मतलब डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ये एक इक्वेशन मिला है मुझे, इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री मान लेता हूँ, इसको वन टू थ्री ऐसे कुछ मान लीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये एक मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट वाला एक इक्वेशन मिल गया है। चलिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना आसान है, कैसे, इसको ऐसा करते हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जब
जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो उस समय क्या रहा होगा, बोलिए तो R इज इक्वल टू क्या रहा होगा, बोलिए भाई R नॉट। जब रिएक्शन शुरू हुआ था उस समय R इज इक्वल टू R नॉट था, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रख देता हूँ। क्या सर? यस ln R की जगह क्या लिख दूंगा, R नॉट लिख दूंगा, बोलिए माइनस K। टाइम की जगह क्या लिख दूंगा, जीरो लिख दूंगा इस इक्वेशन में, और प्लस क्या हो जाएगा, I लिख दूंगा। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए तो ln R नॉट इज इक्वल टू माइनस के का इंटू जीरो से होगा, पूरा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा I। तो देखिएगा ln R नॉट, R नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जब टाइम जीरो था। मैं I की वैल्यू को इस वैल्यू इक्वेशन में रख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन थर्ड, तो ये इक्वेशन नया क्या बन जाएगा, तो ln R बाकी को एज इट इज लिख देता हूँ मैं, माइनस के टी प्लस क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की जगह मैं लिखता हूँ ln R नॉट, तो ln R नॉट हो जाएगा। देखिएगा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंटीग्रेट रेट इक्वेशन है सर, इसका क्या एप्लीकेशन है, तो सिंपल सा है। देखिए ln R क्या है, नेचुरल लॉग R है, R का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, इस टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस ln R नेचुरल लॉग R नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R है। चलिए इसकी इसका मतलब सबका लिख लेंगे। चलिए इसके हम आगे बढ़ने से पहले चलिए इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि ln R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस के टी प्लस देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ln R इक्वल टू क्या देखा, माइनस के टी प्लस ln R नॉट, ये हमने देखा। अच्छा ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ किसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, कैसे सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ध्यान से देखिएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ ln को, तो फिर से देखिएगा यस यहाँ पर मैं से ले लेता हूँ, y एक्सिस ये है और ये x एक्सिस ले लेता हूँ, तो y एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया, यस y एक्सिस पर मैंने ले लिया नेचुरल लॉग R, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R लिया है, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t किसी रिएक्शन के लिए लिया है। ओके अच्छा x एक्सिस पर क्या लेना है, बोलिए x एक्सिस पर मैं टाइम को ले लेता हूँ, तो टाइम को मैंने कहाँ ले लिया, टाइम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कभी कभी आया करता है कि हमें डायरेक्टली। अब देखिएगा m का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर m का मतलब होता है स्लोप, और चूंकि स्लोप कैसा है, निगेटिव है, तो स्लोप कैसा होगा, निगेटिव होगा, डाउनवर्ड होगा। अच्छा और इंटरसेप्ट कितना है, सी क्या होगा, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर ही कहाँ काटेगा उसी को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। तो एल एन आर नॉट का मतलब होगा यहाँ कहीं ये काटेगा, और ये स्लोप कैसा होगा, निगेटिव स्लोप है, तो बिल्कुल इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर एल एन आर है, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आप लिख लेंगे क्या होगा, ये बिल्कुल एल एन आर नॉट, ये इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा। और स्लोप क्या है, यस स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, या के इज इक्वल टू निगेटिव स्लोप भी लिख सकते हैं आप। तो ये अगर इस तरह का ग्राफ कभी कभी आया करता है, अगर ग्राफ डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं, सी क्या है, नेचुरल लॉग आर नॉट है, तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। हालांकि इसका ग्राफ जीरो ऑर्डर से मिलता जुलता है, डिफरेंस क्या है, जीरो ऑर्डर में R वर्सेस टाइम ग्राफ है, और R इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर R नॉट है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, नेचुरल लॉग R के बेस पर है। चलिए ठीक है, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं आगे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, ln R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R नॉट है, इस तरह से क्वेश्चन लिया मैंने। ओके चलिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, क्या करें, देखिए माइनस के टी है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा प्लस के टी, फिर से देखिए माइनस के टी प्लस के टी हो जाएगा, वहाँ क्या है सर, ln R नॉट है, ये प्लस ln R नॉट इधर है,
इधर प्लस एल एन आर है, नेचुरल लॉग उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन आर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया है, रीअरेंज किया है बस। अच्छा थोड़ा सा इसको आपको अगर प्रॉपर्टी याद हो, एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी किसकी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि एल एन एक्स माइनस एल एन बी, एल एन ए माइनस एल एन बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल एल एन ए अपान बी। फिर से देखिएगा, अगर कोई डिवीजन में है, कोई फ्रैक्शन में है, तो उसको आप माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही माइनस के फॉर्म में है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना। इसके पहले ही हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया था, आप उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ। तो क्या करेंगे, एल एन, बोलिए भाई क्या होगा, आर नॉट अपान आर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये के टी ही रहेगा। इट इज अनदर इक्वेशन दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप इसको भी यहाँ पर के को उधर भेज करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और टी की वैल्यू निकालना हो तो के को उधर भेज दीजिए, और के की वैल्यू निकालना हो तो टी को उधर भेज दीजिए, निकल आएगा। अच्छा है, काम करते हैं, चलो इसके थ्रू भी एक ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एक तो ग्राफ मैंने इसके थ्रू ड्रा किया है, एक इसके थ्रू ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एल एन आर नॉट अपान इसके कंपेरिजन में, मतलब टाइम और इसके हिसाब से अगर कोई ग्राफ है मैं ड्रा करता हूँ, मतलब मैं इसको वाई एक्सिस पर ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या ले लेता हूँ, एम एक्स प्लस सी, सी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सी को जीरो ले लेता हूँ इंटरसेप्ट को, तो वाई एक्सिस पर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, देखिएगा तो वाई एक्सिस ये होता है और एक्स एक्सिस ये है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके और टाइम के हिसाब से कोई ग्राफ ड्रा करना के लिए बोला गया हमको, तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर ये ले लेता हूँ और एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस पर मैं अगर टाइम ले लेता हूँ, वाई एक्सिस पर क्या ले लेता हूँ, बोलिए आपको बोला गया है कि वाई एक्सिस पर लेना है एल एन आर नॉट अपान आर ले लीजिए। अच्छा तो बताइए क्या होगा, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू जीरो, मतलब इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो। वाई एक्सिस पर हमारा स्लोप कहाँ कट करेगा, एट द जीरो यहाँ कट करेगा। अच्छा एम का मतलब क्या है, एम का मतलब के है, और के कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव, ध्यान से देखिए, यस के इज पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव स्लोप आएगा, यहाँ कुछ स्लोप ऐसा आएगा। स्लोप क्या है, तो बिल्कुल स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एल एन आर नॉट अपन आर, और टाइम का ग्राफ अगर आता है, फिर से देखिएगा, एल एन आर नॉट अपन आर वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है तो इट इज पॉजिटिव ग्राफ, और स्लोप इज इक्वल टू के होगा, स्लोप इज इक्वल टू के होगा, एम इज द स्लोप। और लेकिन अगर एल एन आर और टाइम के कंपेरिजन में ग्राफ आता है तो ये स्लोप निगेटिव होगा। अच्छा चलिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चलिए थोड़ा और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अभी हमने देखा इस पूरे इक्वेशन में कि इसके हिसाब से भी ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं तो वो निगेटिव स्लोप आएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये इसी को रीअरेंज करके ऐसे भी आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कि एल एन आर नॉट अपान आर वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, ऐसा हमने समझ लिया है। मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। उसके पहले देखिएगा, एल एन आर अपान आर नॉट, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने कि किसी नंबर का नेचुरल लॉग एक्स निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लॉग 10 के बेस पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिखी जाती है 2.303 और लॉग 10 के बेस पर x, मतलब ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। कुछ लॉग के क्वेश्चंस आते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखें, छोटी मोटी क्वेश्चंस ही, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। किसी भी नंबर का लॉग ln नेचुरल लॉग x का अगर निकालना है 10 के बेस पर वैल्यू, तो 2.303 लॉग x किसी का भी हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है ना। जैसे आप अगर निकालना चाहते हैं नेचुरल लॉग 2 निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग 10 के बेस पर यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। तो लॉग 2 की वैल्यू निकाल लीजिए और 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेचुरल लॉग 2 निकालने का तरीका है सिंपल सा। वैसे ही मैं उस इक्वेशन को, मैं इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन को हटा करके मैं क्या लिख दूंगा, 2.303, है ना, और लॉग लगा दूंगा, लॉग 10 के बेस पर है, लिखें चाहे ना लिखें, अंडरस्टूड है ये। और ये क्या बन जाएगा, आर आर नॉट अपान आर हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन हमारे बड़े काम का है। जैसे कैसे काम का है सर, देखिए तो के इज इक्वल टू आपको निकालना है तो टाइम को इधर भेज दीजिए, टाइम यहाँ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 2.303 है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पान टी हो जाएगा, बोलिए। और ये तो एज इट इज लिखा रहेगा, तो आर नॉट अपान आर है। तो इसमें देखिएगा फिर से वही कॉन्सेप्ट है, के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, टी क्या है, टाइम। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको,
अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अगर आपको मान लीजिए आर नॉट की वैल्यू 10 मोलर है और आपसे पूछता है कि आर की वैल्यू हो गई है 2 मोलर, है ना, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 2.0 × 10⁻¹⁴ पर सेकेंड है, तो बताइए कि इसको, इस कंसंट्रेशन को इतना होने में कितना टाइम लगेगा। आपसे पूछा क्या है सर, आपसे पूछा है टाइम। फिर से देखिएगा इस इक्वेशन को क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन दिया है कि भैया एक आर से पी बन जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करेंगे। फिर से सुनिएगा क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था, 10 मोलर था जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था, और आर कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, टी टाइम पर कितना हो गया, 2 मोलर हो गया, घटते 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 बहुत कम हो गया। अच्छा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2.0 × 10⁻¹⁴ पर सेकेंड दिया हुआ है, है ना। चलिए, मतलब के की वैल्यू दिया हुआ है, आर नॉट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और ये तो कांस्टेंट ही है, तो टी की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक हिंट कर देता हूं आपको, क्या कि टी को यहां ला देते हैं, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या जाएगा बोलिए तो, यस 2.303 अपान रेट कांस्टेंट लॉग आर नॉट अपान आर। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी करता है कि टाइम आपको दे देता है, आपसे पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन यहाँ से घट के यहाँ पहुँच जाता है और टाइम इतना लगता है, तो बताइए उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसके हिसाब से बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करता हूँ, उसको करने के बाद भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या दिया हुआ है, 60 पर सेकंड दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, मतलब जितना पहले था उसका 1/16 हो जाता है आफ्टर टाइम टी। मतलब क्या है, मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना मान लेते हैं, तो मान लेते हैं एक्स रहा होगा शुरू में, तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम क्या ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू टी क्या हो जाता है बोलिए, कंसंट्रेशन ऑफ आर क्या हो जाता है, इट बिकम पहले के कंसंट्रेशन का 1/16 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स है, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स अपान 16 हो जाएगा, कब, आर का वैल्यू है, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी आप ये मान सकते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको यही टाइम निकालना है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आपको, सो सिंपल है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, उसी क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। कौन से क्वेश्चन को, चलिए सोचिए कुछ कुछ अपना भी, आप भी दिमाग लगाइए। टाइम इज इक्वल टू क्या लिखना है, 2.303 अपान के, बोलिए बोलिए लॉग, और क्या लिखेंगे बोलिए, लॉग, फार्मूला क्या होता है, यस आर नॉट अपान आर, आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन और आर इज फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी है। टाइम निकालना है, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, टी इज इक्वल टू बोलिए 2.303, ये तो कॉन्स्टेंट है, और अपान के की वैल्यू क्या है सर, के की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 60 पर सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा, लॉग आर नॉट, देखिएगा आर नॉट मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को एक्स माना है, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, तो भैया मैंने यहाँ क्या ले लिया कि लॉग एक्स अपान, बोलिए क्या लेना है, आर इज इक्वल टू क्या लेना है, आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, एक्स अपान 16, तो मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, एक्स बाई 16, देखिएगा 16 ऊपर चला जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2.303 60 पर सेकेंड, और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग 16। तो लॉग 16 की वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा आपके पास दो तरीके हैं, या तो लॉग 16 की वैल्यू दिया हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लॉग से देख के निकाल सकते हैं। आप इसको एक सिंपल तरीका भी आज मैं ट्रिक आपको शेयर करूँगा, क्या कि लॉग 16 को 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 × 4 = 16 और 2.303/60 पर सेकेंड ये तो रहेगा ही। तो देखिए, आप यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एक्स का पावर अगर एम होता है तो क्या होता है, एम का मल्टीप्लाई हो जाता है और एम लॉग एक्स ऐसा बन जाता है, किसी भी पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था लॉग में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2.303/60 पर सेकेंड, और 2 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 log 4 हो जाएगा। फिर आप देखिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या सर, अरे log 4 को मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यस log 2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर
2.303/60/s। ये भी क्वेश्चन बन गया। अच्छा, इसको मैं और सिंपलीफाई करता हूँ, या आप log 16 की वैल्यू से कर सकते थे, या इसको और मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यस 2.303/60/s। 2 पावर है, उसको फिर यहाँ से लाते हैं, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, क्या बन जाएगा, 2 या 4, तो 4 log 2 बन जाएगा। फिर से देखिएगा तो क्या करना है, log 2 की वैल्यू दिया है अगर, तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हालांकि दिया रहता है log 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू ज्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है, तो log 2 इक्वल टू 3.3010 होता है, मैं ऐसे ले लेता हूँ, इंटू 4 ले लेता हूँ, है ना, इसकी वैल्यू मैंने log 2 की वैल्यू टेबल से आप थोड़ा देखिएगा 3010 हुआ करता है ये, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको हटा करके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 2.303/60/s इंटू 4 इंटू 0.3010, इसका आंसर आएगा 0.0462 समथिंग आएगा, है ना, और दो ही डिजिट ले लेंगे, सफिशियंट है, और यूनिट पर सेकंड है, ऊपर आएगा तो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू समझ में आएगा। तो मतलब ये है कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हो और फाइनल कंसंट्रेशन दिया हो, टाइम पूछा हो, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। और आप क्या कर सकते हैं, आपके रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं अगर टाइम दिया हो तो। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात है, किसी रिएक्शन को पहचानना कि जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है क्या है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ही फॉलो करती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन है, यस ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडिएटिव डीके जितने भी होते हैं सब दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, या और भी कह सकते हैं, यस डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इंटू करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, ये भी N2O5 का डिकम्पोजिशन, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, N2O का भी डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल भी है, C2H4, ये एल्कीन है, एथीन कहते हैं इसको हम लोग, अगर H2 से इसका हाइड्रोजनेशन किया जाए तो क्या बनेगा, बिल्कुल आपने सही कहा है, C2H6 बनेगा। तो देखिएगा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। मतलब ये है क्या है सर, मतलब आप इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C2H4 का पावर 1, H2 का पावर क्या होता है यहाँ पर, H2 का पावर 0 होता है। तो देखिएगा, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है ये रिएक्शन। अभी जो 3-4 एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ सीखा, दे ऑल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। मतलब वैसे तो किसी रिएक्शन का ऑर्डर पता करना देख करके आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए, लेकिन इस तरह की रिएक्शन ये हमेशा कुछ 2-3 एग्जांपल हैं जो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है, समझ जाना कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेंगे और उससे रिलेटेड इस इक्वेशंस को फॉलो करके हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की और उसके एप्लीकेशन की और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। चलिए, आप ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में विद द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।